एक मूर्ख जीनियस हो सकता है यदि वह समझता है कि वह मूर्ख है, और एक जीनियस मूर्ख हो जाता है जब वह सोचता है कि वह तो जीनियस है। आज हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम की क्लास है। और अभिव्यक्ति और माध्यम में आज का जो हमारा टॉपिक है कहानी से रिलेटेड है। कहानी किसे कहते हैं? कहानी का थोड़ा सा हम इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो कहानी का आरंभ माना जाता है, कहानी का आरंभ माना जाता है वो 1900 ईस्वी माना जाता है। सबसे पहली जो कहानी थी, सबसे पहली कहानी 1905 में आई थी। 1905 में ग्राम कहानी थी जो इंदू पत्रिका में छपी थी, और ये जो कहानी थी ये इसके राइटर थे, लेखक थे जयशंकर प्रसाद। क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने एक ग्राम कहानी लिखी थी 1905 में जो इंदू पत्रिका में छपी थी। क्योंकि जो सबसे पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, सबसे पहली जो मौलिक कहानी है यह इंदुमती है। इंदुमती इसके राइटर थे किशोरीलाल गोस्वामी। देखो, क्योंकि हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, ठीक है, तो बहुत सी विधाएं हैं। कहानी हिंदी साहित्य की सबसे रोचक और कलात्मक विधा है। यदि कहानी की परिभाषा की आप बात करते हैं तो कहानी लेखक द्वारा किसी भी घटना, किसी भी पात्र, किसी भी समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा है। ठीक है, ये कहानी जो होती है ये सबसे रोचक और कलात्मक होती है। अच्छा, कहानी प्राचीन समय में क्या होता था कि वर्ग संबंध होती थी कहानी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित होती थी, ज्यादा से ज्यादा वर्ण व्यवस्था पर आधारित होती थी। लेकिन जो वर्तमान में आधुनिक जो हिंदी है कहानी है इसमें रूपकों और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और उसको कलात्मकता प्रदान करते हैं। रूपकों और प्रतीकों के माध्यम से, जो रूपक होते हैं इनके बारे में बताऊंगा तुम्हें, प्रतीक होते हैं इनका प्रयोग करके और कहानी को कलात्मक रूप प्रदान करते हैं। जब लेखक कहानी की रचना करता है तो वो 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देता है, क्या, कौन, कब, कहां, इस तरह के प्रश्नों का जवाब देता है। कहानी किसी एक पक्ष को, या तो जैसे कोई घटना हो या कोई एक पात्र हो या कोई समस्या हो, उसको क्रमबद्ध रूप से लेखक उसका ब्यौरा देता है, उसके बारे में बताता है। अब कहानी के 6 तत्व होते हैं। कहानी के 6 तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो तत्व है, देखो, सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है कथानक। इस कथानक को कथावस्तु भी बोलते हैं। 6 तत्व होते हैं और ये 6 तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो सबसे पहले होता है कथानक या कथावस्तु होता है, दूसरा चरित्र चित्रण होता है, तीसरा कथोपकथन कह सकते हो या संवाद कह सकते हो, चौथा होता है देश काल या वातावरण होता है, पांचवा इसका तत्व होता है भाषा शैली होता है, और जो चौथा और अंतिम जो तत्व होता है वो होता है उद्देश्य। तो सबसे पहले कथानक, हिंदी का कथानक क्या होता है? देखो,
कथानक होता है, कथा वस्तु होता है, जो कहानी में जो प्रयोग की गई कथा वस्तु है। कथा वस्तु क्या होती है कि वह वस्तु जो किसी भी कहानी में, वह वस्तु जो किसी भी कहानी में विषय के रूप में चुनी गई हो, विषय के रूप में चुनी गई हो, विषय के रूप में चुनी गई हो, ठीक है। जो कथानक होता है किसी भी कहानी में, जो कथानक होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यह है, ये किसी भी कहानी का केंद्र बिंदु होता है। कथानक के बिना किसी भी कहानी की कल्पना कर ही नहीं सकते हम। कथानक जो होता है वो क्या होता है कि कहानी में कोई ऐतिहासिक हो, ठीक है, ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो, या फिर वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक हो, इस विषय को लेकर, इस विषय को लेकर जो हम घटना है उसका विकास करते हैं, घटना का विकास करते हैं, घटना का विकास करते हैं। कहानी केंद्र बिंदु होता है, ये कथानक केंद्र बिंदु होता है कहानी का। और कथानक क्या होता है कि कहानी में कोई ऐतिहासिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, या कोई वैज्ञानिक विषय है, इस विषय को लेकर उस घटना का विकास करते हैं। उसके बाद जो दूसरा तत्व होता है वो होता है चरित्र चित्रण। देखो दूसरा जो तत्व है चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण क्या होता है, ये कहानी का दूसरा तत्व है। चरित्र चित्रण होता है कि कहानी में जो पात्र है उसकी सोच, उसकी कार्य पद्धति, उसकी दृष्टि, उसके विचार, ठीक है, उनके बारे में चरित्र चित्रण है वो अवगत कराता है। किसी भी जो कहानी में जो पात्र है उसकी कार्य पद्धति के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसके वक्तव्य के बारे में, उसकी दृष्टि के बारे में, उसके विचारों के बारे में अवगत कराना ही चरित्र चित्रण होता है। चरित्र चित्रण विशेष रूप से ये कह सकते हो कि जो पात्र है, पात्र की जो अभिरुचि है, पात्र की जो अभिरुचि है उसके बारे में अवगत कराते हैं चरित्र चित्रण के माध्यम से। अवगत होता है पात्र की क्या अभिरुचि है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात चरित्र चित्रण की, एक विशेष बात यह होती है कि जो पूरी कहानी है, पूरी कहानी की जो विषय वस्तु है, पूरी कहानी की जो विषय वस्तु है उसके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह चरित्र चित्रण के बारे में द्वारा प्राप्त होती है, वह चरित्र चित्रण के बाद द्वारा ही प्राप्त होती है। ये कहानी का दूसरा तत्व। उसके बाद, उसके बाद जो तीसरा तत्व है कथोपकथन या फिर संवाद। देखो कहानी में संवाद क्या होता है, जो तीसरा तत्व है संवाद। कहानी में संवाद होता है कि कहानी का जो संवाद है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो लिखित बोलचाल होती है उसे संवाद कहते हैं, ठीक है। संवाद में एक जो लेखक होता है वो क्या करता है कि कहानी में कथानक को आगे बढ़ाने के लिए जो पाठक हैं कहानी को पढ़ते हैं, पाठकों को निष्कर्ष तक पहुंचाने में, चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने में संवाद का प्रयोग करता है। संवाद होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो लिखित बोलचाल है उसे संवाद कहते हैं। उसके बाद जो चौथा तत्व है देशकाल या वातावरण। देखो देशकाल का मतलब होता है कि जो कहानी की जो उपज है, कहानी की जो उपज है
कहानी की जो उपज है वह देश काल पर निर्भर करती है। सभी देशों की अलग अलग कहानी, अलग अलग वातावरण होता है। जिस लेखक जिस भूभाग में कहानी की रचना करता है वैसा ही वातावरण होता है, उस कहानी पर उसी वातावरण के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। तो देश काल और वातावरण का कहानी की सफलता में बड़ा अहम रोल होता है। उसके बाद पांचवा जो है भाषा शैली है। कहानी का जो सबसे मुख्य तत्व तो होता है भाषा शैली। कहानी की जो भाषा शैली है वह सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। भाषा शैली में जो शब्दों का चयन है, यानी कि शब्द चयन और सुसंगठित वाक्य विन्यास, और यहां तक कि जो शब्द शक्ति होती है, शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है जिसके द्वारा हम शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं, शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति विशेषकर कहानी में अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का जब प्रयोग किया जाता है तो कहानी का जो महत्व है, जो कहानी की महत्ता है, वो और भी अधिक बढ़ जाती है। तो भाषा शैली के लिए शब्द चयन और वाक्य विन्यास दृढ़ होना चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। उस कहानी में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का अच्छा प्रयोग होना चाहिए ताकि कहानी को और भी कलात्मक और प्रभावशाली बनाया जा सके। इसका जो चौथा तत्व है वो है उद्देश्य। और उद्देश्य, चूंकि कहानी का जो उद्देश्य मनोरंजनात्मक मनोरंजन से युक्त होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए लिखी जाती है। सभी का अलग अलग उद्देश्य होता है। किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण, कहानी क्या होती है, किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। आजकल की जो कहानी है वो मानव जीवन के लिए मनोवैज्ञानिक सत्य को प्रदर्शित करती है, आज की जो कहानी है। तो इस कहानी में छह तत्व हैं। एक बार मैं फिर बताता हूं कि पहले प्राचीन समय में कहानी वर्ण प्रधान होती थी, आज कहानी में रूपक और प्रतीकों के माध्यम से कलात्मकता प्रदान की जाती है। सबसे पहली कहानी ग्राम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1905 में, हिंदी का जो उद्भव माना जाता है 1900 ईस्वी माना जाता है, ठीक है, हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और सबसे प्रथम जो मौलिक कहानी है वो इंदुमती है, उसके जो लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी है, ठीक है। हिंदी में छह तत्व होते हैं, सॉरी कहानी में छह तत्व होते हैं। कहानी हिंदी साहित्य की बड़ी रोचक और लोकप्रिय विधा है, जिसमें लेखक क्या करता है, किसी घटना किसी समस्या को लेकर के और उसका क्रमबद्ध विवरण बताता है। कहानी के छह तत्व हैं, कथानक, उसके बाद चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल वातावरण, और उसके बाद भाषा शैली, और चौथा है उद्देश्य। थैंक्स।